तो जो आज हम पीसी करने का, जो वैसे तो वही बात है जो सरकार की ओर से आज बैठक सरकार के साथ होगी, उसका भी अभी मैसेज आया है कि 5:30 बजे शाम को हमारी बैठक शुरू होगी सरकार के साथ। और हम एक बात आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि देखिए, एक तरफ तो सरकार बातचीत का माहौल बना रही है, बातचीत का कोशिश कर रही है कि बातचीत के माध्यम से इसका मसले का हल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें दिखने में आ रहा है, आगे जहां पे बैरिकेडिंग हुई है वहां पे पुलिस हो कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस ने अपना काम करना है, लेकिन जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ना नेम प्लेट है, ना उनके जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म है। वो कौन लोग हैं जो वहां पे मतलब आगे तैनात किए हुए हैं, ये मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कृपया इस बात का भी थोड़ा पड़ताल करने की जरूरत है। सरकार का जो अंदर का रवैया इस चीज से बाहर निकल कर आ रहा है, दिख रहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये हमारी जरूर कहने का मतलब है कि देखिए, बहुत सारी बैठकें हो गई हैं, जिस बात को सभी लोग सुनना भी चाह रहे हैं, बैठकें बहुत हो गई हैं, सरकार हमें ये कहकर गई थी उस दिन कि हमें संडे का टाइम दीजिए, हम थोड़ा फ्रेम वर्क करके आएंगे, आपको बताएंगे क्या देते हैं, क्या इन तीनों मांगों के ऊपर, जैसे MSP की गारंटी का कानून लेना है, किसानों की कर्ज मुक्ति है, डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट है, WTO से भारत का बाहर आना, भारत बाहर आए, या कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर को उससे बाहर निकाला जाए, और आगे जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का जो पहले से बना हुआ, हमारी डिमांड है कि उसी को लागू रखा जाए, जिस तरीके से 2015 में इन्होंने एक मॉडल एक्ट बनाकर एक नया प्रपोजल देकर सरकार ने अलग अलग राज्यों को भेज दिया, और उसके माध्यम से बिल्कुल हमारे किसानों की लूट हो रही है और कारपोरेट्स के पक्ष में जा रहा है वो जो इन्होंने मॉडल एक्ट दिया। इन सबको वापस लेने की हमने मांग की है। जो पहले की मांगे कुछ लखीमपुर खीरी के मामले हैं, उनकी किसानों के ऊपर पिछले आंदोलन के मुकदमे हैं, बिजली शोध बिल का मामला है कि बिजली शोध बिल वापस लेना है, लेकिन इन कुछ के ऊपर सरकार की कुछ कुछ सहमति बनती नजर आ रही थी, लेकिन वो तो जो आज हम पीसी करने